नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी द्वारा पूछे गए तमाम प्रश्नों के क्रम में आज ऐसे दो शख्सियत से परिचय कराने वाली हूँ जो कि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में लेखा विभाग के समीक्षा अधिकारी हैं। तो मिलते हैं सबसे पहले श्री अमरेंद्र कुमार द्विवेदी जी जो मेरे बगल में हैं और जस्ट इनके बगल में श्री श्रवण कुमार सेठ जी समीक्षा अधिकारी हैं। तो सबसे पहले श्रवण कुमार सेठ जी से प्रश्न कि समीक्षा अधिकारी बनकर आपको कैसा महसूस हुआ, क्या समीक्षा अधिकारी बनने के बाद आप सचिवालय की अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी किए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है मैडम आपने। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस परिचर्चा पर मुझे आमंत्रित किया और सभी अपने चाहने वालों अपने दर्शकों को भी का अभिवादन कर रहा हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके प्रश्न के जवाब के क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि सचिवालय में आ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी नियुक्ति 4 मार्च 2010 को सचिवालय प्रशासन विभाग में हुई। उसके बाद तब से लेकर के आज तक कई विभागों में मेरा स्थानांतरण हुआ। जहाँ भी मैं गया वहाँ पर अद्वितीय अनुभवों से रूबरू हुआ और सीखने को बहुत कुछ मिला। सचिवालय एक बहुत बड़ा परिवार है, बिल्कुल सही। और सचिवालय के लोग इतने कोऑपरेटिव हैं कि यहाँ पर नौकरी करने वाले को कभी भी किसी प्रकार की अड़चन नहीं होती और उसे अपने अपनी जो भी उसकी ज़रूरतें हैं और उनके सभी सगे संबंधियों के उसके समाज में रहने वाले अन्य लोगों की ज़रूरतें वो आसानी से पूरा करने में उनकी मदद करने में सक्षम हो पाता है और यह यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से संभव होता है। तो 4 मार्च 2010 को मैं कार्यभार ग्रहण किया और तब से लेकर के निरंतर मैं सचिवालय का एक अभिन्न अंग होकर के शासन के दायित्वों का पूरे निष्ठापूर्वक, पूरे कुशलतापूर्वक और पूरे समर्पण के साथ मैं निर्वहन करता आ रहा हूँ और मुझे शासन का अंग होकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने का मौका मिलता है। और मुझे ये कहना है अपने दर्शकों से कि अगर वो उत्तर प्रदेश शासन में किसी भी पद पर आना चाहते हैं, यहाँ पर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा और समीक्षा अधिकारी लेखा के नोटिफिकेशन जारी होते हैं जो लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से कंडक्ट होते हैं। तो आप सभी लोगों को एक सुखद अनुभूति और एक गौरवपूर्ण क्षण प्राप्त होगा यहाँ पर रहते हुए और आप लोगों को लगेगा कि हम लोग एक पारिवारिक माहौल में रह करके अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य, वर्क कल्चर सचिवालय का अल्टीमेट है और मैं अपने कई क्लासेज में आप सभी को उत्तर प्रदेश सचिवालय से संबंधित जो वर्क कल्चर है इसके संबंध में आप सभी को बताई हुई हूँ। तो आप जानते हैं श्री अमरेंद्र कुमार द्विवेदी जी का अनुभव कि उनको उत्तर प्रदेश सचिवालय में कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। और मैं अपने अनुभव के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही वो गौरवशाली पल था, क्षण था जब मुझे ये पता चला कि मेरी जो नौकरी है वो सचिवालय में लग गई है, क्योंकि प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है ये। बिल्कुल सत्य है। और यहाँ कार्य करना एक बड़ा ही अपने आप में सुखद एहसास है और यहाँ पे रहने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपका आपको एक स्थिरता मिल जाती है, जीवन में एक स्थिरता मिल जाती है। तो लखनऊ जैसे राजधानी के शहर में जहाँ पे चिकित्सा, शिक्षा, सभी चीज़ें वो प्रदेश में टॉप लेवल की मिलती हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगी। ट्रांसफ़र होने का कोई झंझट नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। परिवार के साथ, बच्चों के साथ, अपने माता पिता को आप भरपूर समय दे सकते हैं, एक अस्थायी जीवन अपने साथ जो है बिता सकते हैं। तो बहुत ही सुखद अनुभव रहा मेरा और मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ और लगता है कि वास्तव में अगर ये जॉब किसी को मिल जाती है तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। बिल्कुल। और आपको यहाँ का वर्क कल्चर कैसा लगा? बहुत ही शानदार, एक पारिवारिक माहौल सचिवालय का। और मुझे लगता है कि ऐसा माहौल पूरे प्रदेश में जैसा मेरा अनुभव है कहीं और मिलना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल सत्य, क्योंकि सचिवालय की अपनी एक गरिमा है जो पूरे प्रदेश में जानी जाती है और उत्तर प्रदेश जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है और पूरे राज्य को सचिवालय ऐसी संस्था जो पूरे राज्य को गवर्न करती है, वहाँ पे आप सर्विस करते हैं, वहाँ आप नौकरी करते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि आपको प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ कार्य करके। और जो भी व्यक्ति इसको देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो व्यक्ति मेहनत करें, प्रयास करें और सचिवालय जैसी संस्थान में अगर उन्हें सेवा करने का अवसर मिलता है तो बहुत ही भाग्य का ये प्रश्न विषय है और उनको जरूर इसके लिए मेहनत करते रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से एकदम आपके सहमत हूँ और आप सभी से अवश्य ही यह संदेश आप सभी को देना है कि
कठिन परिश्रम अवश्य करें। जी हाँ, कठिन परिश्रम अवश्य करें, क्योंकि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, बशर्ते परिश्रम जब करें तो उसका ही बार बार आप अवश्य पुनरावलोकन करें कि आपका जो परिश्रम का चरण है वो क्या सही दिशा में जा रहा है। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं श्री सवर्ण सेठ जी से कि समीक्षा अधिकारी का क्या कार्य है। शिवाजी, हम लोग समीक्षा अधिकारी लेखा के पद पर कार्यरत हैं और समीक्षा अधिकारी लेखा जो है वो विभिन्न लेखा संबंधी कार्यों का को संपादित करता है, जिसमें वो जिस विभाग में तैनात होता है उस विभाग का एक लेखा अनुभाग होता है और वह लेखा अनुभाग उस विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिकों, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के हों या समूह ख के हों, समूह क के हों, उन्हीं के से संबंध में संबंधित काम करता है। जैसे हमारे यहाँ वेतन हुए, भत्ते हुए, इनकम टैक्स कैलकुलेशन हुआ, विभिन्न प्रकार के आकस्मिक देयकों का भुगतान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति हुआ, इत्यादि कार्य किए जाते हैं। जीपीएफ का रखरखाव किया जाता है, एनपीएस पासबुकों का रखरखाव होता है, मतलब किसी भी कार्मिक से रिलेटेड जितने भी लेखा संबंधी कार्य होते हैं वे सारे लेखा अनुभाग द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो उस विभाग का जो लेखा अनुभाग होता है वो शासन का बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेखा संबंधी कार्यों को बड़े सुचारू तरीके से कुशलतापूर्वक पूरे निष्ठापूर्वक करता है, संपादित करता है, निस्तारित करता है। और सचिवालय का जो लेखा अनुभाग है वो इस मामले में अपने कार्यों के तुरंत निस्तारण के मामले में बहुत ही लोकप्रिय है। बिल्कुल। और यहाँ पर कोई भी कार्य, यहाँ पर लेखा संबंधी कोई कार्य बहुत ही तेज गति से, द्रुत गति से निस्तारित होता है। हमारे यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको जिस दिन वे सेवानिवृत्त होते हैं उनको पीपीओ उनका निर्गत कर दिया जाता है, पीपीओ प्रमाण पत्र दिया जाता है, उनके ग्रेच्युटी के भुगतान आदेश दिए जाते हैं, उनके राशिकरण के भुगतान आदेश दिए जाते हैं। तो लेखा द्वारा, लेखा अनुभाग द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण शासकीय कार्य किए जाते हैं और ये जनता के हित में किए जाते हैं, त्वरित गति से किए जाते हैं, पूरी कुशलता से, पूरे संवेदनशीलता से किए जाते हैं और समयबद्ध संपादित। बिल्कुल सही, और मैं सहमत भी हूँ क्योंकि मैं स्वयं इस चीज़ को अनुभव किए हूँ कि सचिवालय के जो लेखा विभाग है वो अल्टीमेट है, कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता है। तो इसी क्रम को अब आगे बढ़ाती हूँ, और क्योंकि हमारे इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं और खास तौर पर लेखा के सहायक समीक्षा अधिकारी की, और उन लोग का बराबर प्रश्न होता है कि सहायक समीक्षा अधिकारी का क्या कार्य है लेखा के। तो जानते हैं श्री अमरेंद्र द्विवेदी जी से कि लेखा के जो सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं उनका क्या कार्य है। लेखा के सहायक समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी के सहायक के रूप में कार्य तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो भी आप जिस विभाग में कार्यरत हैं वहाँ की जो भी जीपीएफ पासबुकें हो गई या जो भी भुगतान संबंधी कार्रवाई होती है, जो भी आहरण होते हैं उनका रखरखाव उन्हीं के द्वारा किया जाता है, उसकी जो भी एंट्री होती है वो उन्हीं के द्वारा तैयार किया जाना, देयक तैयार किया जाना, उसको नोट किया, रजिस्टर में नोट किया जाना, पासबुक को मेंटेन करना, लेजर में एंट्रीज करना, बिल्कुल एनपीएस लेजर में करना, जीपीएफ लेजर में, जो भी भुगतान आप करते हैं उन भुगतानों की एंट्री को, उनकी की जिम्मेदारी सहायक समीक्षा अधिकारी की ही होती है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि विभाग से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, समूह क, समूह ख, समूह ग, सभी लोगों का दायित्व तो आप ही के ऊपर है। आप सही तरीके से उसको निस्तारित करें, सही तरीके से उसका रखरखाव रखें, ये जिम्मेदारी सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की होती है। प्रविष्टि से संबंधित जीपीएफ पासबुक में जो भी प्रविष्टि होगी सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा करेगा, एनपीएस पासबुक की जो भी प्रविष्टि होगी सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा करेगा, जो भी भत्ते, वेतन भत्ते या भुगतान संबंधी जो भी चीज़ें पेमेंट की जाती हैं उसको अगर कहीं नोट करना है, एक लेजर बना होता है, एक मेमो रजिस्टर बना होता है, उन सब में उसकी प्रविष्टि की जाती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका उसके द्वारा निभाई जाती है। मतलब कि अगर देखा जाए तो शासन का हर एक पद बिल्कुल बहुत ही दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप अलग करके उसको नहीं देख सकते। किसी व्यक्ति का यहाँ पर ऐसा नहीं कोई स्वतंत्र सत्ता है, हर व्यक्ति की जो एंटिटी है उसकी सत्ता है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल सर, और एक दूसरे पे वे निर्भर भी हैं। तो शासन का कार्य एक सोपानीकृत व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है, आप इससे सहमत हैं। हमारे यहाँ चतुर्थ श्रेणी से लेकर के अपर मुख्य सचिव तक की हायरार्की है और सब अपने अपने दायित्व, अपने अपने कर्तव्य पर सभी महत्वपूर्ण है, सबका अपना
बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है कि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था में हर एक पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इस वजह से गरिमा भी है इसके। तो साथियों, यदि आप सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की तैयारी कर रहे हैं तो जोरों शोरों से अपने परिश्रम को और भी आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी का एक प्रश्न ये भी रहता है कि लेखा विभाग के जो सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, समीक्षा अधिकारी होते हैं जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होते हैं, उनकी पदोन्नति क्या होती है? तो साथियों, ऑलरेडी मेरे द्वारा इसके संबंध में आप सभी को सूचनाएं दी गई हैं, लेकिन आज तो आप सभी के बीच स्वयं लेखा विभाग के हमारे समीक्षा अधिकारी मौजूद हैं। तो जानते हैं इन लोगों के माध्यम से कि जो पदोन्नति का स्तर है वो कैसे है और कहाँ तक पदोन्नति है, सहायक समीक्षा अधिकारी का कहाँ किस पद तक पदोन्नत हो सकते हैं, समीक्षा अधिकारी किस पद तक पदोन्नत हो सकते हैं। तो ये प्रश्न दोनों लोगों से है, तो अमरेंद्र जी से भी है और श्रवण जी से भी है। जी, आपका ये प्रश्न और दर्शकों का ये जो प्रश्न है बहुत ही लाजमी है। हमारे दर्शक नहीं, हमारे प्रिय युवा हैं, बिल्कुल, और जो हमारे देश के भविष्य हैं। मैं समझ रहा हूँ कि युवा जो है वो सभी अभ्यर्थी हैं और सभी आकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षी हैं कि सचिवालय का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। तो मैं आप बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। हर व्यक्ति जो शासन में या उत्तर प्रदेश सरकार में या कहीं भी सरकारी नौकरी में आता है तो सबसे पहले यही सोचता है, वो जानना चाहता है कि यहाँ पर प्रमोशन के क्या, पदोन्नति के क्या एवेन्यूज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर समीक्षा अधिकारी लेखा सहायक लेखा संवर्ग जो है, यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा से हमारा पद सोपान शुरू होता है और वो विशेष सचिव लेखा तक जाता है। तो जो भी व्यक्ति सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा या समीक्षा अधिकारी लेखा के पद पर चयनित होता है तो मैं उसको इंश्योर और अश्योर कराना चाहता हूं कि उसको विशेष सचिव लेखा तक जाने की पूरी संभावना होती है। और वो अगर उसके पास वक्त है, जैसे कि अगर कम समय में कम उम्र में वो चयनित होता है तो उसकी संभावना रैंक ऊपर हो तो उसकी संभावना प्रबल हो जाती है प्रमोशन न पदोन्नति पाने की। ये तो सिंपल पे भी पदोन्नति का अवसर बहुत अच्छा है हमारे लेखा संवर्ग में। और जैसा जो पदोन्नति का अवसर प्लेन संवर्ग में है, हूबहू वही स्थिति हमारे में लेखा संवर्ग में भी है कि आप सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा से जाके और विशेष सचिव स्तर तक आप पहुंच सकते हैं, पहुंचने की संभावना रहती है जी। और पदोन्नति का अवसर बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत सही, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और चार मैं चीज कहूँगी, बहुत अच्छा चार्मफुल जॉब है ये। जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं वो पूरी निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ और लगन के साथ तैयारी करें। और तो सबसे एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी संस्था का, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, अंग बनना चाहते हैं, ख्वाब देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो संस्था में आ करके उस आप अपने पद से रिलेटेड जो दायित्व तो है, जो कर्तव्य है, उससे रिलेटेड जो जीओज हैं, उससे रिलेटेड जो मैनुअल्स हैं, उसका बखूबी अध्ययन करें और अपने को उस कार्य में दक्षता जितना अधिक से अधिक ला सकते हैं लाने की कोशिश करें। क्योंकि कहीं भी रहेंगे, अगर आप अपने पद से संबंधित कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हैं और स्टडीज करते हैं, अधिक से अधिक अध्ययन करते हैं, तो आपकी पूछ होती है, आपकी इज्जत होती है और आप सराहे जाते हैं। बिल्कुल सर। और सराहा जाना बहुत जरूरी है। कहीं भी रहिए, वहां पर यदि आप चाहते हैं कि मैं सबके दिल में स्थान बनाऊं और शासकीय कार्यों का इस प्रकार से निर्वहन करूं कि लोग हमें जाने, हमें पहचाने, ये हो कि भाई फला व्यक्ति जो है लेखा का, फला जो समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, बहुत ही निष्ठापूर्वक अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करता मैं है। मैं तो कृतज्ञ हूँ लेखा विभाग के समस्त अधिकारियों के प्रति। मैं तो मतलब कि इतना विश्वास रहता है हर चीज, मतलब आप लोगों का जो कर्तव्य निष्ठता है वो अल्टीमेट है। बिल्कुल। मैं बाहर के अधिकारियों को प्रायः यह सुनती हूँ कि हम लोग में ये दिक्कत आ गई, खासतौर पर उन लोगों के सेवानिवृत्ति के दौरान उन लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। बिल्कुल। लेकिन ये चीज सचिवालय में है कि हमारे लेखा विभाग के जो भी हमारे अधिकारीगण है, हमारे जो भी कार्य होता है वो त्वरित गति से होता है और समयबद्ध होता है। और लोग यहाँ से सेवानिवृत्ति के दिन ही अपना पीपीओ और अपना ग्रेच्युटी का आदेश, अपने राशिकरण का आदेश लेकर के जाते हैं और बड़े प्रसन्न होकर के जाते हैं। बिल्कुल, ये चीज तो मैं बिल्कुल, मतलब मैं तो खुद फैन हूँ लेखा के, सारे अधिकारियों के अल्टीमेट मतलब है। और तो साथियों, आप देखें कि यदि आप सहायक समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो आप समीक्षा अधिकारी भी बनेंगे, अनुभाग अधिकारी भी बनेंगे और तत्क्रम में आप अनुसचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव के साथ, यदि आप एज आपका बचा हुआ है
रैंक बेहतर है तो आप भी सी सचिव भी बनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखें, तैयारी करने के लिए बस सफलता ही निश्चित ना करिए, बल्कि अपने रैंक को और भी इम्प्रूव करने के लिए तैयारी को और भी त्वरित करें, ताकि आप बेहतर रैंक भी प्राप्त करें। क्योंकि साथियों, मैं जब भी आप सभी को पढ़ाती हूँ, इस उद्देश्य से गाइडेंस देती हूँ, पढ़ाई मात्र सफलता के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि बेहतर रैंक के लिए भी होना चाहिए, ताकि सफलता के बाद भविष्य उज्ज्वल हो। सफलता के बाद आपको ये अफसोस ना रह जाए कि काश मैं थोड़ा और परिश्रम कर देता, बिल्कुल, बिल्कुल। कि मैं विशेष सचिव भी बन जाता। कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती हूँ कि जब मैं समीक्षा अधिकारी की मैं तैयारी करती थी, तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं दिया था कि रैंक का क्या प्रभाव होगा। जब मैं सचिवालय में आई, फिर लोग बोले कि सीमा जी आप तो टॉपर हैं, आप तो स्पेशल सेक्रेटरी तक बनेंगी, तब मुझे एहसास हुआ। सोचिए, यदि मेरा रैंक नीचे होता तो मैं भी सोच में रहती, एक कल्पना में रहती कि काश मैं भी स्पेशल सेक्रेटरी बन जाती। लेकिन रैंक के वजह से आज मुझे ये सोचना नहीं है, मेरा सुनिश्चित है कि मैं बन रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि यदि आप आर ओ आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, तो परिश्रम को थोड़ा सा और बढ़ाइए। तो इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और पुनः श्रवण जी से और अमरेन जी से प्रश्न कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और जो हमारे अधिकारीगण हैं, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा यहाँ किया जाए। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका यह प्रश्न होता है कि क्या लेखा के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों को आवास मिलता है, क्या उन्हें सचिवालय भत्ता मिलता है, क्या उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि की सुविधाएं मिलती हैं। तो साथियों, जानते इन तमाम प्रश्नों का जवाब आज लेखा विभाग के ही हमारे सम्मानित समीक्षा अधिकारी श्री श्रवण सेठ जी से और सम्मानित अमरेंद्र द्विवेदी जी से। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप आवाज पे प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समीक्षा अधिकारी लेखा और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा दोनों को आवास की सुविधा उपलब्ध है। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा टाइप 2 आवास के लिए योग्य है, और समीक्षा अधिकारी लेखा टाइप 3 आवास के लिए योग्य है, और अनुभाग अधिकारी के पद पर आने के बाद से वो टाइप 4 के लिए एलिजिबल हो जाता है। और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बारे में भी कुछ बता देंगे। यहाँ पर चाहे वो समीक्षा अधिकारी लेखा हो या सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा हो या समीक्षा अधिकारी हो, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक हो, विशेष सचिव हो, कोई भी हो या अपर मुख्य सचिव हो, कोई भी हो, सभी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति अपने अपने आश्रितों, अपने चाहे वो पिता हो, माता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जो भी वो खर्च करता है उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे, वो उसकी प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जाती है। बिल्कुल। और सचिवालय भत्ता तो साथियों सबको मिलता है, सचिवालय भत्ता तो सभी को सबको पद के अनुरूप मिलता है, और तमाम के हाल ही में उसको बहाल किया है और सभी लोग पा रहे हैं। और चूंकि आज एक खास बात है कि आज हमारे बीच जो लेखा के समीक्षा अधिकारी मौजूद हैं, उनकी हॉबी भी बहुत स्पेशल है, तो सबसे पहले मैं श्रवण सेठ जी से सुनना चाहती हूँ एक कविता। देखिए मैडम, और ये भी कविता के पहले एक प्रश्न जी, आप अपने हॉबी के लिए समय कैसे निकालते हैं? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। गुड। मैं अपने शासकीय अवधि में शासन का कार्य करता हूँ, और पूरी निष्ठा से पूरे जो भी हमें दायित्व दिए गए हैं, जो भी हमें किरदार मिला हुआ है शासकीय, उसको बखूबी निभाने का की कोशिश करता हूँ। और मेरा एक ध्येय रहता है कि सर्वप्रथम काम है, उसके बाद कोई हॉबी आती है, और जो हॉबी हमारी है वो लिखने पढ़ने की है, साहित्य की है। मैं बच्चों पर विशेष रूप से, बच्चों के व्यक्तित्व पर रचनाएं करता हूँ, और भी साहित्यिक कई विधाओं में लिखता हूँ। तो घर जाने के बाद आपकी तो मैं कविता पढ़ी हूँ, मतलब बाल कवि के रूप में कोई तोड़ नहीं। बिल्कुल। श्रृंगार का तो आप गजब का लिखते हैं, वीर रस की भी कविताएं आपकी शानदार है, और आपके गीत तो अल्टीमेट है, मतलब दोनों। आज आप सभी के बीच दो कवि दो गीतकार अल्टीमेट है एक अधिकारी के साथ। तो सबसे पहले मैं किसको कहूँ, तो मैं किसको पहले कहूँ, दोनों लोगों को साथ ही कहती हूँ कि आप या तो अमरीन जी आप शुरू करें पहले, या तो आप शुरू करें। जी मैं शुरू कर देता हूँ। और चूंकि लखनऊ शहर, जहाँ जिसने मुझे जीने का अवसर प्रदान किया, मेरी मुझे रोजगार दिया, बहुत प्रिय शहर है, तो मैंने लखनऊ के ऊपर एक कविता लिखी है, जिसे मैं गीत के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है।
है स्वर्ण नगर ये पूरब का है, स्वर्ण नगर ये पूरब का है, हिंद सिराजे ये है, हिंद सिराजे ये है, स्वर्ण नगर ये पूरब का है, स्वर्ण नगर ये पूरब का है, हिंद सिराजे ये है, हिंद सिराजे ये। इसकी गलियों में घूमो तो, इसकी गलियों में घूमो तो आती है अजब सी शान, ये लखनऊ है मेरी जान, ये लखनऊ है मेरी जान, ये लखनऊ है मेरी जान, ये लखनऊ है मेरी जान। कविता लंबी है, मैं बस यहीं पे विराम देना चाहूंगा। बात तो बहुत, मतलब कि कोई जवाब नहीं है, चूंकि समय कम है और मन तो बहुत कर रहा है आपकी, तो गीत का तो कोई जवाब ही है। मैं तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तार सुनकर। तो श्रवण जी आप भी अवश्य सुनाए, चाहे बाल कविता हो, श्रृंगार की हो। यहाँ पर मैडम आपने बात शुरू की थी अभ्यर्थियों के करियर से संबंधित, तो मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही, मैं अपने बचपन में उस कविता को सुनता था जिसे सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, बहुत ही प्रेरक है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि वे रचनाएं, वे लाइनें बहुत ही प्रासंगिक हैं। तो मैं सभी बच्चों के को नज़र करता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है, कोशिश उसकी बेकार नहीं होती। बहुत खूब, मतलब कि क्या बताए, मतलब ये जो सोहनलाल द्विवेदी की बिल्कुल, जो बिल्कुल, कविता ये तो थी, मुझे अल्टीमेट खुद कविता है के। और हर विद्यार्थी को इसको जरूर पढ़ना चाहिए और इससे मोटिवेशन लेना चाहिए। और दिनकर जी की भी जो कविताएं हैं अल्टीमेट है, जैसे कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, छड़ एक नहीं धीरज होते, सुरमा नहीं विचलित होते, छड़ एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, काटो मेरा बनाते हैं। तो साथियों, आज आप मिले शासन के समीक्षा अधिकारी श्री श्रवण सेठ जी से और श्री अमरेंद्र द्विवेदी जी से, और जाने कि समीक्षा अधिकारी के क्या कार्य हैं, जाने किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और उनका अनुभव। तो साथियों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कितना परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम में भी कौन कौन सी बाधाएं हैं, बेहिचक होकर आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही करेंगे, क्योंकि आप सभी के बीच लगातार हम सभी द्वारा महत्वपूर्ण रणनीति पर आप सभी के बीच चर्चा किया जाना है, ताकि आप सभी अवश्य ही सुनिश्चित सफलता प्राप्त करें, क्योंकि हमारे देश के युवा जब तक सफल नहीं होंगे, हमारे देश सफल कैसे हो सकता है। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए आप सभी की सफलता बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, क्या आप तैयार हैं, और यदि तैयार हैं तो परिश्रम की क्या रफ्तार है, और परिश्रम का जो रफ्तार है सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस चीज को अवश्य ही समय समय पर अवश्य ही परखेंगे। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए श्री अमरेंद्र द्विवेदी जी और श्री श्रवण सेठ जी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने देश की व्यव जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को महत्वपूर्ण आप सूचनाएं दिए, उन लोगों को प्रेरित किए कि यह पद उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।